नमस्कार मित्रों, मैं सभा बहादुर सिंह, प्रोफेशन से वैज्ञानिक एवं ट्रेनर एवं कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट। आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कृषि आधारित व्यापार में मुर्गी पालन के अलावा, मछली पालन के अलावा, पशुपालन के अलावा, मुर्गी दाने का व्यापार, मछली दाने का व्यापार और पशु आहार का व्यापार। तो जो लोग ऐसे हैं जो कॉलेज पास आउट करके निकले हैं और चाह रहे हैं कि वो कुछ व्यापार करें और उनको बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत ना करनी पड़े, तो वैसे समय में युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि वो आएँ, मुर्गी दाने का मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाएँ, मछली दाने की मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाएँ, पशुपालन में पशु आहार की मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाएँ। अच्छा, अब इसमें हम आज जो बात करेंगे उसके प्रॉफिट और लॉस की, उसके उत्पादन क्षमता की, उसके बाजार की, उसके पूरे लाभ की, उस पर मदद की, तो हम इस पर बात करते हैं कि इसको हम शुरू कैसे करें। शुरू करने के लिए छोटी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम मुर्गी दाने का व्यापार शुरू कर सकते हैं, मछली दाने का व्यापार शुरू कर सकते हैं और पशु आहार का भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। इन तीनों का सेटअप लगभग एक जैसा होगा, दुनिया चेंज होंगी और कोई भी व्यक्ति इन तीनों का व्यापार एक साथ कर सकता है क्योंकि ये तीनों व्यापार में लाभ वाली हैं। उसके बाद आती है कि हमें मार्केट कहाँ मिलेगी। मार्केट हमें अपने घर के आसपास ही मिल जाएगी, अपने गांव के 20 किलोमीटर के दायरे में पूरी की पूरी मार्केट मिल जाएगी। अगर देखा जाए तो हर गांव में कहीं ना कहीं एक मुर्गी फार्म है, एक मछली फार्म है और गांव के हर दूसरे घर में दूध उत्पादन का कार्य हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 5 किलोमीटर के दायरे में या 10 किलोमीटर के दायरे में हमें अच्छी मार्केट मिलती है, चाहे वो मुर्गी दाने की हो, चाहे वो मछली दाने की हो और चाहे वो पशु आहार की हो। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कैसे करें, इसकी ट्रेनिंग कौन देगा, इसमें लाभ कितना मिलेगा, सरकार की क्या इसमें सब्सिडी है। तो हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके बारे में पूरी ट्रेनिंग की जानकारी आपको उन्नति 9 ग्रुप देगी, पूरी बिजनेस कंसल्टेंसी आपको उन्नति 9 ग्रुप देगी, उसके सेटअप में उन्नति 9 ग्रुप आपका मदद करेगी, इंटरप्राइज सेटअप को करने में आपको उन्नति 9 ग्रुप मदद करेगी और मार्केट को बढ़ाने में भी उन्नति 9 ग्रुप आपकी मदद। सरकार भी इस पे 25% से लेके 35% तक सब्सिडी दे रही है क्योंकि एक मशीन से 3 काम, मुर्गी पालन और मछली पालन और पशुपालन, इन तीनों व्यापारों को, इन तीनों के आहार को आप उत्पादित कर सकते हैं और लाभ का जो मार्जिन है वो आएगा 50% से 70% के बीच में, यानी खड़ा खड़ा आपका 50% तो आना ही आना है। 30% या 20% आप मार्केट में डालिए, आपका प्रॉफिट निकल के ही आएगा। तो देरी किसी बात की नहीं है। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि आप मुर्गी पालन करेंगे, मछली पालन करेंगे या पशुपालन करेंगे, तो अब आपके मन में ये विचार आ जाना चाहिए। आप लोगों को सादर नमस्कार करता हूँ। आपके कोई विचार आ रहा हो वो आप हमें कमेंट में कीजिए, आप हमें बताइए, हम उसका हल आपको बताएंगे। सादर नमस्कार।